बिल्कुल, और अब वक्त हो गया है उस सेगमेंट का जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, नेताजी फिट हैं तो हिट हैं। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो जाहिर है कि नेताजी के सामने खुद को व्यस्त रखने की चुनौती है, लेकिन इस चुनौती के लिए वो कितने फिट हैं। नेताजी फिट हैं तो ही हिट हैं, और हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको दिखाएंगे बादा के नरेनी से भाजपा विधायक राजकरण कबीर के फिट रहने का फॉर्मूला। फिजिकली तो हम लोग क्षेत्र में रहते हैं तो डेली ऐसा नहीं 4-6-10 किलोमीटर हम लोगों को चलना फिरना घूमना, ये भी एक्सरसाइज का हिस्सा है। लेकिन सुबह में मेरी दिनचर्या में मैं 5 बजे सुबह जग जाता हूँ डेली। 5 बजे जगकर मैं 6 बजे तक स्नान पूजा सब करके इसके बाद योगा 1 घंटे योगासन और अपने शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम हल्का व्यायाम करता हूँ। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद वही 8-8:30 बजे उठ के थोड़ा हल्का नाश्ता लेता हूँ। नाश्ता लेने के बाद फिर दोबारा पुनः मैं आकर लोगों के साथ बैठता हूँ। इसके बाद 10 बजे साधारण लंच लेके फिर फील्ड में हम लोग निकलते हैं, और शाम को मैं 9 बजे तक हर हाल में भोजन करके सो भी जाता हूँ, इसलिए जल्दी जागने में दिक्कत नहीं होती है। और राजेंद्र, अब वक्त हो चला है ये जानने का कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे रहने वाले हैं, वो कहां कहां पर होंगे, तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी, आप भी इंतजार कीजिए। जरूर जय, तो ग्राफिक्स के जरिए जय आपको बताने जा रही है कि कौन सा नेता कहां जाने वाला है, क्या कार्यक्रम उसका रहने वाला है, क्योंकि चुनावी समर है, नेताओं की व्यस्तता बहुत बढ़ी हुई है, वो जनता के बीच में ज्यादा दिखते हैं, इसलिए अब जय आपको ये बताने जा रही है। जी राजेंद्र, बताएं जो आज अहम दौरे हैं उसमें सबसे पहला दौरा गाजीपुर में है। आज गाजीपुर से समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव, और अखिलेश और ओपी राजभर का पहला संयुक्त रोड शो होने जा रहा है, और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ होते हुए अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद जो अगला दौरा है चित्रकूट में है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट के रामघाट पर महिलाओं के साथ शक्ति संवाद करने जा रही हैं, और इसके अलावा मंदिर में जाने का भी उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। और इसके आगे झांसी में आज कार्यक्रम होने जा रहा है सीएम का, झांसी और महोबा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। 19 नवंबर को पीएम के दौरे की तैयारियां देखने जाएंगे और पीएम के दौरे को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे तैयारियों को लेकर। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे का आज अंतिम दिन है, और आज उत्तरकाशी में रोड शो करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और शौर्य स्थल भी वो जाएंगे। इसके अलावा रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा भी जारी है। पंजाब के सांसद भगवंत मान इस यात्रा को लेकर आज खटीमा पहुंचेंगे, जहां इस यात्रा का समापन हो जाएगा। तो इन तमाम खबरों पर, इन तमाम दौरों पर हमारी नजर होगी राजवेद। धन्यवाद जय, आपने बताया कि कौन सा नेता आज किस क्षेत्र में रहेगा और क्या कार्यक्रम उसका रहने वाला है, और चुनावी वक्त में जय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। बिल्कुल, और बहुत कम समय भी है विधानसभा चुनाव को, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों के दौरे हो रहे हैं, और आज भी कई अहम दौरे हैं जिस पर हमारी नजर होगी।